नमस्कार दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड ट्रिक में आप सभी का आज स्वागत मैं है। आपको मेरा नाम है बताऊंगा अनिल। आयुष्मान कार्ड के साथ क्या क्या पेपर लेके जाना है हॉस्पिटल में कि आपका इलाज हो सके और आपको परेशानी ना हो, घर ना दौड़ना पड़े, पेपर के चक्कर में आप ना फंसे। तो मैं वीडियो में सारा जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या पेपर साथ में लेके जाना है हॉस्पिटल जहाँ पे आप इलाज करवा रहे हैं, जहाँ पे आप आयुष्मान कार्ड जहाँ पे एक्सेप्टेड हो हॉस्पिटल में, वही हॉस्पिटल आपको जाना है। ठीक है, आप पता भी कर सकते हो और टोल फ्री भी नंबर है, मैं आपको दे दूंगा, आप उससे भी पता कर सकते हो। इस टोल फ्री में साथ में ये भी कौन बताया कौन जाता से है हैं हॉस्पिटल कि में आप इलाज करवा सकते हो, प्राइवेट या सरकारी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आयुष्मान कार्ड के साथ क्या क्या पेपर लेके जाना है हॉस्पिटल में। तो सबसे पहला चीज़ है, जो पेशेंट को आप लेके जा रहे हो उनका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में उनका नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है और वहाँ पे उनका फिंगरप्रिंट भी होगा, तो वो हॉस्पिटल का मसला है। जो भी है तो आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और औरों में शेयर कीजिए कि सभी को ये जानकारी मालूम हो सके। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो से आपका हेल्प होता है तो इस वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए।